Thank you.
Thank you.
Thank you.
काय होती ती काय मात्र होती Thank you.
जय श्री गौर वृंदावन हरि हरि बोल।
अज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम शरणागति। सर्वप्रथम अपने में परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाशी श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सब स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाशी श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणति श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। त्रिदंडी पादगण सज्जन सज्जनी वैष्णव और वैष्णवी भक्ति के स्तर से भक्तों का स्तर बतलाता हुआ मैं बतला रहा था प्रहलाद महाराज जी की भक्ति से अम्बरीश महाराज की भक्ति का तात्पर्य अधिक श्रेष्ठ है और उनसे भी अम्बरीश जैसे भी हनुमान जी की है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, कोई दूसरी संतति इत्यादि नहीं रहे, न स्त्री है न धन रखते हैं न संपत्ति है, सारी एनर्जी सारा ध्यान सारी ममता राम के चरणों में उनकी है। राम के लिए वो जीते मरते हैं, राम को भूख लगने पर वनवास के समय किष्किंधा के बाद में भूख लगने पर फल संग्रह करके फल फूल मेवा कंद उनके चरणों में देते हैं और खिलाते हैं, प्यास लगने पर पानी खोज करके ला करके देते हैं, कभी कभी उनके वाहन होकर के कंधों पर बिठा करके जहां तहां ले जाते हैं। राम और रावण के युद्ध में अधिकांश ये लक्ष्मण या श्री रामचंद्र जी के वाहन बनते थे। रामचंद्र जी सीता का पता लगाने के लिए उनके प्रभु की स्त्री भी चोरी हो जाती है और पता लगाने के लिए समुद्र लांग करके गए और लंका को जला कर भस्म कर दिया और सीता जी से कहा हमारे कंधे पर बैठिए हम आपको ले चलते हैं। सीता जी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं, रामचंद्र खुद आए इसके वंश का ध्वंस करके तब हमको ले जाए, इसी में सब प्रकार से कल्याण है। इसके बाद में कभी रामचंद्र जी के सेनापति होते थे, अपने लंगूर से चारों तरफ से परकोटा बना करके और वही गेट पर स्वयं बैठे रहते, रामचंद्र जी को धूप से बचाने के लिए अपने पूछ से ही छत्र छाया कर देते, तरह तरह से संजी रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों को शक्ति शैल में, लक्ष्मण जी के शक्ति शैल में रातों रात में गोबर वहां से हिमालय से संजीवनी पर्वत को ही उठा ले आए।
वो वहां के वैद्य थे, सुसेन वैद्य को घर समेत उठा कर ले चले चले। इस प्रकार से सब समय सेवा करते थे। यहां तक कि एक समय राम लखन भर शत्रुघ्न और सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने, चारों ने मिलकर के ये विचार किया, ये हनुमान सारी सेवा ग्रहण कर लेता है रामचंद्र जी का, हमें कोई सेवा में लगने नहीं देता, इसलिए हम लोग सेवा को बांट लें, रात की सेवा सीता जी करेंगे और जो जितने काम है हम तीनों भाई संभाल लेंगे, इसको वहां पर घुसने नहीं देंगे। ठीक है, दूसरे दिन से कार्यक्रम कंसार में हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी गई, तो हनुमान जी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले इन लोगों से, ये भैया हम तो बिना उसकी सेवा के रह नहीं सकते, तो तुम लेके एक सेवा हमें दे दो जिसमें तुम लोगों का भी हर्ज नहीं होगा और मेरी भी सेवा चलती रहेगी। क्या यदि राम को जम भाई आए तो मैं चुटकी बजाया करूं। भगवान में जम भयाती नहीं कभी। उन लोगों ने सोचा भगवान राम को तो कभी भाती नहीं है जम भाई, ठीक है जाओ तुम ये सेवा करो। अब ये घर के बाहर बैठ करके चुटकी बजाने लगे, कबरम भा जम भाई उनको आ जाए कोई ठीक नहीं, इसलिए पहले से ही चुटकी बजाने लगे और राम को जम भाई आने लग गई। अब सारी सेवा बंद हो गई, रामचंद्र जी का खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया और वो चुटकी बजाते रहे। लोगों ने मना किया किंतु तो माने ही नहीं, अज भाई उनको कबा जाए कोई ठीक मैं तो नहीं। बाहर बैठा हूँ, अंत में सब लोग जाकर के रामचंद्र जी से कहा जी कोई उपाय कीजिए, ये तो हम लोगों को कोई सेवा ही नहीं करने देता, तो तुम लोग इसको कोई सेवा दे दो नहीं तो ये ऐसा ही करेगा। अंत में हनुमान जी को भी सेवा दी गई, तब कहीं जाकर के मामला सुलझा। कभी कभी सीता जी एक बार चली गई बाथरूम में, श्रृंगार भवन में, और श्रृंगार स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगार करके सिंदूर लगाया यहाँ। उसी समय सीता जी को खोजते हुए हनुमान जी, कहाँ सीता जी गई, स्वामिनी जी मेरी किधर गई, खोजती खोजती श्रृंगार भवन में पहुंचे। मैया ये क्या कर रही हो, तो ये सिंदूर लगा रही हो किस लिए, तुम्हारे प्रभु जी जीवित रहेंगे और सुखी रहेंगे इसलिए सौभाग्य का चिन्ह हम लोग लगाती हैं। ठीक है, लगा करके वो चली आई रामचंद्र जी के पास में बैठ गई और हनुमान श्रृंगार भवन में पहुंच करके सारा सिंदूर सारे शरीर में लगा लिया, सभा में पहुंचा, सभी लोग हंसने लगे, राम हंसे ये तुमने क्या किया, तो मैया सीता जी यहाँ लगाती हैं आप जीवित और सुखी रहने के लिए, तो मैं अंगों में लेपन इसका करता हूं कि आप सुखी रहे। इस तरह से बहुत उनकी सेवाएं हैं, किंतु हनुमान जी में एक बात है, अपना कोई जूठा चीज राम को नहीं दे सकते, उनकी शैया पर बैठ नहीं सकते, जहां सीता जी रहेंगी वहां पर नहीं जाएंगे, इनके लिए संभव पर नहीं है, इच्छा करने पर भी आलिंगन नहीं कर सकते। रामचंद्र जी इनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देंगे बस। किंतु इनसे श्रेष्ठ जो है पांडवों की सेवा, कैसे सेवा श्रेष्ठ है, माधव महाराज जी संक्षेप में बतलाएंगे, यू शुड एक्सप्लेन। So, for the last few days, we've been hearing of the devotees and their gradations of service. We heard yesterday how Ambarish Maharaj is superior to Prahlad because he engaged in service, while Prahlad, as a Gary Bhakta, did not engage in service to his Ishtadev. The superior to Ambarish Maharaj, who is a sadhu, is Hanuman. Why? Because Hanuman is Bhava Brahmachari, lifetime, celibate, since boyhood. He has no wealth, no family, no wife, no children, even he has no place to stay. All his energy and all his mamata, his feelings of possessiveness,
are directed only towards Sri Ram. If Ram is hungry, then Hanuman moves in the forest and collects fruits and roots. If Ram is thirsty, he brings water for Sri Ram. And even he carries Ram as a carrier. When he knew that his Prabhu's wife had been stolen by Ravan, then he jumped across the ocean to Lanka and burned it to ashes. And he said to Sita, "You come on my shoulder, I will carry you back to Ram." And Sita said, "My son, that is not possible. Ram will have to come here. I cannot touch any other man. So Ram will have to come here and rescue me." Therefore, what services Hanuman performs? Sometimes he becomes the general of Ram's army. When Ram and Lakshman were wounded by the weapons of Meghna, then Hanuman made his tail into a fort and himself stood in the guard at the doorway as a guard. He used his tail to protect Ram from the sun. And when Ram and Lakshman were injured, it was he who went to the Himalaya to bring back the Sanjeevani Osani. And he carried the whole mountain to save Ram and Lakshman. Therefore, one time, Bharat, Shatrughna, Sita, everyone met together and said, "Hanuman is taking all the sailors to Ram. We have no chance." Therefore, they made a plan how they would take all the sailors and put Hanuman outside. Therefore, Hanuman had no service. Therefore, Hanuman requested, "Give me one service." And Hanuman thought, "I'll take the service which no one does." What is that? In India, when someone yawns, then they go, "Jai Sri Ram." Otherwise, some ghost or some inauspicious thing may go in someone's mouth. Therefore, Hanuman said, "When Ram yawns, then I'll click my fingers. Jai Sri Ram." But one thing is, Bhagavan never yawns. Therefore, and Hanuman was outside. Therefore, when Ram will yawn, he doesn't know. Therefore, he was always Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. And Ram began yawning. Hanuman was doing continuously, therefore Ram could not eat, could not drink, could not sleep, could not do anything, because Hanuman was always clicking his fingers outside. Then finally, one tried to stop Hanuman, but Hanuman would not stop. "This is my only seva, and I am not inside, I cannot see when Ram is yawning." So finally, Ramji suggested, "You have to give Hanuman some seva, otherwise he will never stop." Therefore, this is the service attitude of Hanuman. One time, Sita Devi, she went inside her Shingabhavan, where the ladies decorate themselves. Therefore, she was putting, Hanuman was searching, "Where is my Swamini, my mistress?" And he looked and saw Sita Devi was putting some red sindu, some red mark here on her forehead. And he asked her, "Mother, what is this mark doing?" She said, "Oh, this gives your Prabhu a long life." Just like when the husband is alive, then the lady puts this red sindu on the part of the head to keep her husband alive. But by this, Ram will have a good fortune and he will live a long time. And Hanuman thought this is a very good idea. So when Sita Devi went back, then Hanuman took the whole pot and mixed with oil and covered on his whole body from head to toe. Then Red Hanuman, he came into the meeting assembly and everyone began laughing. Even Ramchandra asked, "Prabhu, what astonishing form you have here. Why have you done this?" And he said, "If Sita Devi, just by putting a little bit here, can give a long life and good fortune to Ram, imagine what will happen if I cover my whole body from top head to toe." So you see everywhere, all the temples of Hanuman, now even Hanuman is that red color. So Hanuman has such feelings towards his Lord. But there is something, we should say, lacking in Hanuman, some problem. What is that? He cannot feed his remnants to Ram. He cannot sit on the same seat as Ram. We always see Hanuman sitting at the feet of Ram and massaging, because the monkey's hand is very strong. Also, when Sita is with Ram alone, that time Hanuman cannot go there, even though he has desire. Therefore, he cannot embrace Ram. Therefore, superior to Hanuman are the Pandavas. Ram can give blessings to Hanuman, but more than that, he does not do. Therefore, superior to Hanuman is the Pandavas. And we'll hear from Prabhupada Bhanumar to the glories of the Pandavas. And brave. Om Agyanati Midandhasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhascha Pipasindu Bhayevacha
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। As the Gurudev order to discuss about Pandavas, just you have heard from Srila Gurudev, all the Hanumans have been Lord Ram so many ways, but he could not give his remnant, could not sit on the bed of Lord Ram, could not eat some sand plate. So Pandavas, they are prematur bhakta, so they are more advanced than Premi Bhakta Hanumanji. So if you give some example, then you can get one clear conception. Among Pandavas, Arjun and Draupadi are prominent. When Mahabharata battle took place, then Krishna became charioteer of Arjun. And Hanumanji, Krishna ordered Hanuman to be on the top of Arjun's flag. Whenever the calamity comes, then you have to roar so loudly, then the opposite party can fly away from here. So whenever the danger comes, then always Hanuman protect Arjun. So in one hand he is serving Lord Ram, and here he is serving the devotee of Krishna. And Arjun told to Krishna, Senayo Ubhayor Madhye Ratham Sthapayami Archita. Arjun told, oh Krishna, please take my chariot in between two soldiers. I want to see the armies. Who is fighting from which side? And prior to that, Krishna's brother was one very darling sister, Subhadra. And Balaji Prabhu taught club fighting both Duryodhan and Bhim. So Balaji Prabhu won that Subhadra will marry with Duryodhan. But Duryodhan was dead against of Pandavas. So Krishna told to Arjun that he have to kidnap Subhadra. And how to do that? Krishna made all confidence and told to Arjun. When Subhadra Devi, according to Vedic tradition, before marriage, the bride will come and do pranam to Devi and pray to Devi. So when as Subhadra entered the demigod's temple, Arjun was ready in form of a sannyasi. How he came, everybody came before to that, in disguise of sannyasi, brother who went to there, the pranam, all queens, they did pranam to him and take blessings. Nobody knows. Every Baladattu is not different from Krishna. He is also Bhagavan. By the influence of Jagmaya, he could not understand anything. As soon as Subhadra went to the demigod's temple, then Arjun kidnapped her and all was there. Because Subhadra went to the chariot. And not only that, Arjun told to Draupadi, Subhadra, to hold the reins of the horse and drive the chariot. The god was with Subhadra, they informed to Baladev Prabhu and Krishna, that sannyasi is not sannyasi, but this guy is a Arjun, he kidnapped Subhadra, this is just hunger for our dynasty, what to do? Then it is Baladev Prabhu very angry and told Krishna, let us go. That sannyasi was not sannyasi, it was not sannyasi. He kidnapped our sister, but Krishna calm and quiet, nothing challenged. I'm going ahead and order to all soldiers. Then Krishna told, my dear brother, why you tell that Krishna, Arjun kidnapped Subhadra? I think that Subhadra kidnapped Arjun. Look, who's driving the chariot? Really, Subhadra is driving the chariot? Okay, if you kill Arjun now, we are bound, we are so much powerful, can do that. So you love Subhadra so much, when Subhadra kidnapped Arjun, that means you give up heart to Arjun. That means marriage took place. If you kill Arjun now, your sister widow, you lie, then your sister will widow for whole life. Then Balaji Prabhu told Arjun, Krishna, if you desire, why not tell us before? See Krishna's desire, Balaji Prabhu, you can come and quiet. And once, Arjun and Krishna were sleeping in the same bed in Indraprastha. Narada Rishi is always playing on Maya Veena and traveling from one planet to another planet.
And payment be not Simanarayana Narayana Narayana Simanarayana Narayana Narayana. He landed in the hostel. And he went direct to Arjun's bedroom. He found that Arjun and Krishna both are sleeping same bed. Not only that, Krishna's lotus feet going towards Arjun's chest and other side, Subhadra and Draupadi fanning Krishna's lotus feet. Other side, Krishna's feet going towards Krishna's chest and Rukmini and Saptahoma fanning his feet. Both are sleeping on the robe for the floor of Krishna, Arjun's body. Krishna, Krishna, Krishna is coming out. How much intimacy with them? And Bhagavan could not do that. And although Krishna is doing all this thing, not only serving Arjun, even he is serving his horse also. But as soon as Arjun saw the universal form of Krishna, then he told, Sakhenki matta pasadhamya yuktam. Oh Sakha, I told you, my dear friend, do this, do that, please excuse me. Sisthastyavan sahimam tankapannam. I am your disciple, please punish me. As soon as he saw that universal form, the opulent moon, then his intimacy gone away, far away from him. And when Mahabharata battle was going on, then so many soldiers already killed. Now battle in last moment, in last point. Duryodhan entered in a big pond. And the predominant deity of that pond told Duryodhan, don't come out. I'll make your whole body more than thunderbolt. Then even beating so much, you will not die. In the bank of the pond, Bhim and Arjun all went there and abusing him so much. When they are abusing, then what happened? Duryodhan could not tolerate. He came out and told, okay, now we can fight each other. And Duryodhan told that, this is what I told you, yes, this is the Bhim Arjun, you can choose anyone. He said, oh, my elder brother, what are you telling? Can you fight with him with club? Can Arjun fight with him with club? Duryodhan said, okay, fight with your race, king between king. Now Krishna told, now, Bhaiya, what will you do now? Then she told, oh, this you can tell, Bhim is our king. And this is what I told, Bhim is our king. Okay, then we have to fight with Bhim. Then Duryodhan told, okay, if Bhim is your king, then you have to do pranam to him, because subject have to pranam to king, and Yudhishthir Maharaj is so great, if he do pranam to junior to him, they are head will crack and finish immediately. Duryodhan becomes very happy, okay. As soon as you do pranam, then his jacket will open up and finish. Then I am moving up. Then Krishna told to him, means that I am going behind of Yudhishthir. For me you can do pranam, not to Yudhishthir. He did so, and he did. Krishna take his pranam. By this way, Krishna saved them. So many, when they are in forest for exile, one day, Durvasa came to Duryodhan. Duryodhan feed him very nicely and pleased him, and told, Varan Grihi, Varan Grihi. He told, oh, Munibar, I am so worried, I am so sadi. My brothers, they are living in the forest, so many calamities they are facing. So, if you want, please on me, please go to my brothers and be their guest. But one condition, go after 3 p.m. Okay. But Durvasa's character is always glorified before this, but indirect way. Just like glorify Ambarish Maharaj, you have heard yesterday from Samaranidhi. So Durvasa went there, along with the 60,000 disciples, and going there telling, oh Maharaj, you missed it. At that time, they are in Gorge. Vimalakunda, he who is Sarovar, pond. I am with my 60,000 devotees, you have to feed me today. You saw it became very happy, okay, no problem. Then, okay, I am going to take a bath, I am coming very soon. You used to have told, oh, how we can do that? Even if you could not feed him, then he will curse us and turn into ashes. Then, this was his brothers, Bhima and Arjun told, let us go to Draupadi. Because Draupadi had one pot donated by Sandor, unless until he will not eat and not clean the pot and keep upside down, then he can feed the whole universe. Duryodhan knows this thing, so he told he has to go after 3 p.m.
So then Draupadi and Yudhishthira and all are discussing. Draupadi today, I am sorry, I cannot do anything today. I have already taken my prasad. And he cleaned the pot and keep upside down. Then what to do now? Then Yudhishthira Maharaj told, oh Draupadi, better you can remember Krishna. If you remember Krishna, Krishna bound to come immediately. But if you call it, take too much time. As soon as Draupadi called out for Krishna, Krishna without delay appeared there and told, oh Draupadi, I am very hungry. Feed me something. I am very hungry. So he told, oh Prabhu, for whom I am calling and you are making another problem? Please listen to me. You know, no, I have no time. Please feed me something first. Then I will listen. Then Draupadi told, oh Prabhu, I have eaten already and I have cleaned my pot. Okay, bring your pot. Draupadi brought her pot and Krishna found one piece of spinach. Krishna took in his mouth and bring water and drink water. Triptosmi, triptosmi, I am satisfied, I am satisfied. Tosmi to stay, to jagat to stand, pritam, pritam jagat. If Krishna is satisfied, whole world is satisfied. If Krishna has no hunger, nobody has no hunger. Then, okay, Dr. Bhim, go and call Drupadi. Bhim took his glove and Krishna told, put his glove with you, don't go empty handed. Took his glove, his mustache. Oh, receiver! Oh, receiver! Please come, we are waiting for the prasad. When Krishna took that spinach and drink water and got satisfied, the stomach of the whole rishis became completely full. When they saw Bhim is coming with glove, oh my God, he will not go, then he will crack our head. From there, they ran away from water and from sky. Like he said, Pandava was helped by Krishna and Krishna helped them and they helped Krishna. So they are more greater than Hanuman. So they are living same way, eating from same plate. So after that, we listen from Srila Prabhupada Rotasri. Hare Krishna. One chance for the Lord was the Shiva Sindhu Bhai Vasa. What is the hand of the Lord? What is the hand of the इसलिए पांडव लोग की सेवा हनुमान जी से भी अधिक है। कृष्ण उनके नौकर बन जाते हैं, हनुमान जी को भी नौकर उनका बना देते हैं। किंतु एक बात है, यदि कृष्ण ने उनको विश्वरूप दिखलाया महाभारत के युद्ध में, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, जय प्रभु, आज से आपको सखा नहीं कहूंगा, अपना साथी नहीं बनाऊंगा, आप तो विश्व ब्रह्मांड के रचयिताओं के भी रचयिता हैं। हमने आपको जो सखा कहा है, आपके चरणों में जो अपराध मैंने किया है, आप क्षमा कीजिए। इसलिए उनको गौरव बुद्धि आ जाती है और भक्ति दूर हो जाती है। इसलिए इनसे भी श्रेष्ठ जादव लोग हैं और उन जागों में भी श्रेष्ठ उद्धव जी हैं। उद्धव जी कृष्ण के छोटे भैया हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सेनापति हैं, उनके सुहृद हैं, बंधु हैं, सब कुछ उनके हैं। कृष्ण की छाया की तरह में वो रहते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं। जब कृष्ण को ब्रज में जाने की बात हुई तो देखा कि और तो कोई योग्य नहीं है जिसको मैं उद्धव को मैं और अपना प्रतिनिधि बना करके वृंदावन में भेजू। मेरे मैया पिता माता हमारे विरह में मर रहे हैं, उनसे भी अधिक गोपियां हमारे विरह में छटपटा रही हैं, मैं ही उनका एकमात्र जीवन हूं, तो उनको सांत्वना देना जरूरी है। किंतु किसको भेजूं? सब प्रकार से विचार किया, उद्धव भी ऐसा हो सकता है, इसलिए उद्धव को बुला करके उनसे कहा। कुछ और भी इसके बीच में रहस्य की बात थी, वो रहस्य की बात ये, कृष्ण ने देखा
हमारे विरह में गोपियां छटपटा रही हैं, माता जी भी छटपटा रहे, किंतु एक दूसरे को वो सांत्वना भी देती हैं। राधिका जी विरह में जब छटपटाती हैं, तो ललिता विशाखा उनकी उनको सांत्वना देती है। यशोदा मैया को पास पड़ोस की महिलाएं भी सांत्वना देती हैं, किंतु कृष्ण गोपियों के विरह में, मैया और सखाओं सबके विरह में जब छटपटाते हैं, तो किसी से भी अपने दुख को बांट नहीं पाते। इसलिए सोचा आज उद्धव को मैं ब्रज में भेजूं, और जहां पर हमने प्रेम की का पाठ सीखा है, उसी पाठशाला में, उसी विद्यालय में इसको भेजूं, और वहां पर जाकर के ये प्रेम क्या है, ढाई अक्षर प्रेम का परास पंडित हो, यह ढाई अक्षर ही प्रेम है, किंतु इसको जानने से कृष्ण को भी वशीभूत किया जा सकता है, ऐसा ही प्रेम और ढाई अक्षर का। तो उसको भेजूं वहां, जब वहां से पाठ पढ़ करके आएगा, प्रेम किसे कहते हैं, तब ब्रज का प्रेम के विरह में कैसे मैं छटपट हूं, गोपियां कैसे छटपट करती हैं, यह जान सकेगा, और तब मुझसे मैं अपने दुखों को कहने से वो हमको सांत्वना दे सकता है। असल बात ये थी, वो जानते थे कृष्ण उद्धव को ब्रज में उनको सांत्वना देने के लिए भेजूंगा, किंतु वो तनिक भी सांत्वना उनको नहीं होगी और उनका विरह का ज्वर अग्नि बढ़ती चली जाएगी। फिर भी भेजा। एक समय अपने छत के ऊपर में उत्तर दिशा की तरफ में वृंदावन को देखा कृष्ण, जब संदीपनी मुनि के पाठशाला से लौटे, और देखते ही ब्रज की याद आई, गौओं की याद आई, सखाओं की, माता पिता और गोपियों की, रोने लगे। उद्धव जी खोजते खोजते वहां गए तो देखा जी कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा जी भैया तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा तुम ब्रज में जाओ, तुम योग्य हो, वहां जा करके हमारे माता पिता को सांत्वना देना, विशेष करके गोपियां हमारे विरह में अत्यंत प्रमत्त हैं, वे हमारा बिना जी नहीं सकती। बस मैंने कहा था आते समय में कि मैं परसों लौट आऊंगा, कल नहीं तो परसों जरूर लौट आऊंगा, इसीलिए मैं जीवित हूं, गोपियां जीवित हैं, नहीं तो कभी की मर जाती, और नहीं मरती हैं, इसलिए मैं तो कभी मरता नहीं, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को हमारे अंदर में रख दिया है, इसलिए वो मरती नहीं है। उद्धव जी को कहा, उद्धव जी जाने लगे, अपने सोने का रथ उनको दे दिया, चढ़ा करके ब्रज में भेजा। ब्रज में गए, ब्रज में जाने पर शाम का समय था, देखा गायें बछड़ों के लिए रंभा रही हैं, घोष लोग अरे दही दूध भांड ले आओ, कोई कहता है बछड़े को छोड़ दो, इस तरह से देखा जे कृष्ण के समय में जैसे लीलाएं होती थी ठीक वैसे ही हो रही है, सांड गायों के लिए लड़ रहे हैं और गोपियां घर में दीपक जला करके गोविंद दामो धर्माधवी थी ये गा रही हैं, मानो कृष्ण ब्रज में है। थोड़ी देर के बाद ही मैं देखा वो दृश्य समाप्त हो गया, कृष्ण के विरह में ब्रज सूना देखा, कहीं भी प्राणों का स्पंदन नहीं है देखा। इसके बाद में नंद बाबा के दरवाजे पर गए, नंद बाबा को खबर मिली, आए उनका फिर नंदन करके घर में ले गए, देखा जब उद्धव तो सवेरे से चला है, कुछ खाया नहीं, मैया यशोदा तब रसोई बनाती नहीं, किसके लिए बनाएगी, और कृष्ण के विरह में अंधी हो गई है, उनके जो पात्र थे रसोई के वो सब अंधे पड़े हुए हैं, चूल्हे पर मकड़ों ने जाल बना दिया,
रसोई बनती नहीं घर। नंद बाबा ने एक ब्राह्मण को बुला करके कहा, अपने घर से खीर बना करके लाओ। वो भी खीर बना करके लाया, चीनी थी नहीं उसके घर में। ऐसे ही उद्धव जी को भूख लग रही थी, खाए। फिर जब शांत हो गए तो बाबा उनसे पूछना चाहते हैं, कृष्ण कैसा है, हमारा बेटा कैसा? किंतु गला भर आता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं, पूछ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से रोक करके उन्होंने कहा, ओ बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा भैया वसुदेव, उसके पुत्र हुए, जितने सबको मारा, अंतिम उसने कंस अपने पापों से मारा, कृष्ण ने नहीं मारा, अच्छी बात हुई। इसके बाद में बोले, किसी प्रकार से धैर्य धारण करके, मेरा कृष्ण कैसा है? और कहते ही आंखों में आंसू भर गया, गला भर गया। कहते हैं कि मैं कृष्ण को भूलने के लिए जमुना के तट पर जाता हूं, और वहां वो स्नान करता था और सखाओं के साथ में खेलता था, मुझे और भी कृष्ण का स्मरण आता है। गोवर्धन पर जाता हूं, उसकी चरण के चिन्हों को देखता हूं, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसके नीचे रहकर वो खेलता नहीं था। फिर वहां से दूसरी जब जाता हूं भूलने के लिए, ब्रज में कोई स्थान ही नहीं है जहां पर कृष्ण को भूल सकूं। जब खूब रोने लगे तो उद्धव जी सोचने लगे, जी कृष्ण ने भेजा है, सांत्वना तो देनी चाहिए। बोले, नंद बाबा, आपको कृष्ण में इतना प्रेम और ममता है, आप धन्य है और यशोदा जी धन्य है, महाभाग्यवान दोनों है। नंदा जी बाबा बोले, अरे क्या कह रहे हो, मैंने सोचा जी कृष्ण के साथ में रहने से तुम्हारी कुछ बुद्धि आ गई है, किंतु तुम्हारे अतों के दांत भी नहीं टूटे। अरे तुम सोचो तो सही, जिसको मैं अपना केवल पुत्र ही मानता था, और वो यदि भगवान हमारे घर में बेटा के रूप में आया और उसने देखा इसको ममता प्रेम नहीं है, तो हमारे घर को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, हमारे जैसा दुर्भागा जगत में कौन जन्म लिया होगा? देखो जगत में एक ही पिता था, वह था महाराज दशरथ, अपने बेटे से प्रेम था। जब वो वन में चला गया तो हाराम हाराम, बस तीसरी बार हाराम नहीं निकला, प्राण निकल गए। मैं कृष्ण हमारे घर से चला गया, मथुरा में चला गया, मैं अभी तक जीवित हूं, यह हृदय पाषाण का बना हुआ है, क्यों जीवित है मैं नहीं समझता। इस प्रकार से कहकर के विलाप करने लगे और सारी रात बीत गई। सवेरा हुआ, उद्धव जी ने स्नान किया, पास ही एक तालाब है उस समय का, अब उसका नाम कृष्ण कुंड हो गया है। स्नान करके, आचमन करके और अन्न ही करने लगे, मंत्र जपने लगे। इतने में देखा क्या, बहुत सुंदर कदंब के वृक्ष हजारों हैं, उसकी कारिया क्यारिया है, बड़ी सुशीतल छाया है। उसमें उन्होंने कुछ गोपियों को देखा, वो अपना कार्य समाप्त करके अन्निका उसकी तरफ में बढ़े, गोपियों की तरफ में। गोपियों ने उद्धव को देख करके कहा, ये कौन है जानती हो? दूसरी ने कहा, हाँ जानती है, ये कृष्ण का दूत है। कैसे जानी? आंखें भूल कर सकती है किंतु नाक भूल नहीं कर सकता। कृष्ण का ये माला पहन करके आया है, उनका पीतांबर पहन करके आया है, उनके कपड़ों को उसे कृष्ण की गंध आ रही है, मैं कृष्ण के गंध को पहचानती हूं। दूसरे ने कहा, अरे सखी ये आया क्यों? उसने कहा, नहीं जानती,
ये यहाँ का पथ भूल गया है, जाना चाहिए था माता पिता के यहाँ, हम लोगों से तो इसका कोई संबंध नहीं, और था तो वो तो टूट गया, उसने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। किंतु माता पिता का संबंध रक्त से संबंधित होता है, वो कदापि छूट नहीं सकता। एक ने कहा, अरे देखा सोने के रथ में चढ़ाई करके आया है। दूसरे कहने, जानती हूं किस लिए आया है, कंस मारा गया है ना, तो उसके लिए पिंड देना है, तेरहवीं में पिंड देते हैं, पिंड देना है। तो यहां मथुरा में तो कोई पिंड नहीं मिला, यहां पर सब गोपियां मरी हुई होंगी, ये सोच करके उनका ही पिंड निकाल करके ले जाने के लिए आया है। उद्धव जी ने कहा, है मैं रथ में सोने के रथ में चढ़कर के आया क्यों, क्यों आया, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई। फिर एक कहती है, उद्धव ये बतला सकते हो, एक स्वार्थमय प्रेम होता है, एक निस्वार्थमय प्रेम होता है। पहले औपाधिक प्रेम के संबंध में समझो, स्वार्थ वाला प्रेम। एक भिक्षु किसी के घर में जाता है, राधे राधे, और भिक्षा मिली चल चला। यदि गृह स्वामी का जो दो चार कीर्तन सुना दो, भाई अभी समय नहीं है, हमको बहुत काम जाना है, चला जाएगा। एक विद्यार्थी गुरु के यहाँ पढ़ा, पढ़ करके पूरा पंडित हुआ, जब स्कूल छोड़ दिया, पाठशाला विद्यालय, और गुरु को प्रणाम करने के लिए भी नहीं जाएगा। एक वेश्या पुरुष से खूब प्रेम करती है रुपये के लिए, जब देखती है कि वो निर्धन हो गया, सारा रुपया मेरे पास आ गया, तो दूसरे के पास चल जाता, उसको प्यार नहीं करती। एक वन जंगल में एक हरे पेड़ पर तोते इत्यादि सब पक्षी रहते हैं, पेड़ जल गया और उसमें या फल फूल नहीं रहा, पत्ते भी दूर हो गए, सूख गया, आप नहीं बैठेंगे। जंगल में हिरण इत्यादि पशु रहते हैं, जंगल जल गया, फिर कभी भी नहीं आएंगे। पुरुष स्त्रियों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से भी, पत्नी जल गई, कुरूप हो गई, जब दूसरी शादी कर लेगा, ये स्वार्थमय प्रेम है। ट्रांसलेशन हाँ देखो, और हमारा कृष्ण से तो कोई स्वार्थमय प्रेम नहीं था, वो भी हमको प्रेम करते थे निस्वार्थ रूप में, हमने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, कपड़े लत्ते भोजन कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ पैद। ये कैसे टूट गया उद्धव, उद्धव से खुज लाने लगे, नहीं उत्तर दे सके। विद्यालय में भर्ती होने के लिए गए थे, ये परीक्षा हुई, एडमिशन के लिए उनको अब नहीं परमिशन मिला, केवल विद्यालय को देखा, दूर से उसके प्रोफेसरों को देखा, ललिता विशाखा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये को देखा, और प्रिंसिपल राधा जी को भी देखा, थोड़ी सी महिमा सब, किंतु ब्रज के कुछ भी नहीं हो सके, घास भी नहीं हो सके, अंत में लौटना पड़ा था। हाँ ट्रांसलेशन, therefore we heard of the glories of Sri Hanuman, but Sri Hanuman is the Pandavas, because even Krishna became a servant of the Pandavas, and Hanuman also had to serve the Pandavas by coming on the flag of Arjuna. They have all the Pandavas. Superior amongst all of them is Arjuna and Draupadi. But when Krishna showed his visual, his universal form to Krishna, then Arjuna began shaking, oh, forgive me. You are the creator of even the creators of this world. And I call you friend, Yadu, etc. Arjuna became full of Gaura Buddhi, respectful feelings, and his bhakti decreased. Therefore, superior to even the Pandavas are the Yadus. And of all the Yadus, Uddhava is the best. Because Uddhava is Krishna's cousin brother also. His minister,
his friend. He follows Krishna like a shadow. And out of all the millions of Yadus, Krishna chose him only to go to Vrindavan as his representative. He said, Uddhav, oh, Krishna knows that his mother and father, Nanda and Yashoda, are almost dying in separation from him, and the gopis are restless like a fish out of water. Then how to pacify them? Who will I send? Krishna considered deeply and sent Uddhav. But there's a more secret point to this, rather than simply giving pacification to the Vrijavasis. There is one point to consider. The gopis are experiencing separation from Krishna, but there are many, many gopis. Therefore, when Srimati Radhika feels separation from Krishna, then she can be pacified by her friends like Lalita and Vishakha. Yashoda is experiencing separation from Krishna, but she can be pacified by the other senior ladies of Gokul. They can share their hearts with them and then their pain can become lessened. But to whom Krishna will speak in Mathura, there is no one who can understand the Bhava of the Vrijavasis. Therefore Krishna was thinking, if Uddhav could go there and learn something, he would come back, then we could discuss amongst ourselves, I would be pacified and happy. Therefore Uddhav is a great scholar, but Dayaksa Pemko. All the scriptures just give two syllables, prema. Therefore, two and a half. So Krishna is thinking, if I send Uddhav there to Vrindavan, he can hear something, he can learn something, then he can come back and I can reveal my mind to him. Krishna knows actually that Uddhav cannot pacify the Vrijavasis. And in fact, Uddhav went there and their separation only increased millions of times. Therefore, one afternoon, Krishna was on the roof of his palace in Mathura looking towards Vrindavan. And seeing that time was the time when the cows returned home from cow grazing. Thinking that, Krishna became immersed in remembrance of the Vrijavasis, the cows, Nandi and Yashoda, and especially the gopis. And Krishna began weeping. Uddhav saw Krishna weeping on the roof and caught his hand, oh brother, what's wrong with you? Uddhav was astonished, the Supreme Lord can weep. Therefore, Krishna said, Uddhav, you should go to Vrindavan. They are completely, their lives are about to leave them. You should go there and pacify them. Only because I gave the promise, I will return the day after tomorrow. Sometime, somehow or other, they are maintaining their life. Oh, Uddhav, the gopis have given their lives to me. In fact, I am their life. It is for this reason that they are still living. Therefore, Krishna gave Uddhav a golden chariot. And on that chariot, Uddhav went to Vrindavan. As he was going towards Vrindavan, then Yogamaya gave him he gave him vision of Vrindavan, the same as when Krishna was present there. He saw millions of cows, millions of calves. People were shouting, hey, bring that bucket. Hey, release that calf. Hey, don't do that. They saw bulls fighting for cows. Everyone was full of ecstasy and very happy. The sound of the flute was everywhere, and the gopis were churning yogurt, singing Govinda Dhamo Dharmadaveti, just as if Krishna was there. Then the next second, Yogamaya took away her curtain, and Uddhav saw everyone is drowning in separation. So when Uddhav came to Vrindavan, then Nanda Baba was there. He thought Uddhav must be hungry, having traveled all day. Therefore, he wanted to feed Uddhav, but there was nothing to feed him because that Radha Yashoda had become blind in Krishna's separation from weeping so much. Radha Yashoda had not cooked since the day Krishna left for Mathura, because for whom will she cook? All her pots were covered in spider webs and covered in dust. Therefore, Nanda Baba requested one Brahmin who was living nearby to cook some sweet rice for Uddhav. But that Brahmin had no sugar, because when Krishna left Vrindavan, all the sweetness went with him. Therefore, Uddhav somehow ate that rice boiled in milk. Then, Nanda Baba, with his voice choked, he asked, how is Krishna?
How is my brother Vasudeva is very fortunate because all his sons were killed by Kamsa. And Kamsa was killed by his own sins, not by Krishna. They were Uddha, Nandababa, with his voice choked and tears pouring down his chest, he asked, how is my Krishna? Or Uddha, sometimes to forget Krishna, to escape this pain of separation, I leave this house and I go to Yamuna. I go to Govardhan. But everywhere, under every tree, I see Krishna perform some lila here. I see his footprints everywhere. I go outside to forget Krishna, but I cannot forget Krishna. In fact, my remembrance of him simply increases. Therefore, Uddhava saw the prema of Nanda Baba, he became astonished. He thought, I have been sent here to pacify them. Therefore, thinking deeply, Uddhava said to Sri Nanda Baba, who could speak, Yasoda could not speak. Oh, Nanda and Yasoda, you are the most fortunate. Hearing this, Nanda Baba laughed. Fortunate Uddhava, I thought that you had gone with Krishna, you may have achieved some intelligence. But I see that you are very foolish, even your milk teeth have not come, means you are like a child. You are saying that I am fortunate. Yes, because you have developed such prem for the Supreme Lord, who has come as your son. Then Nanda Baba said, you are saying the Supreme Lord came as my son. But the Supreme Lord is only, he only takes prema. He is only interested in prema. But he saw that we have no prema. And therefore he left us and went somewhere else. And you are calling us fortunate? Oh, look, we are the most wretched, the most unfortunate. Then Sri Nanda Baba said, if there was one father, that was Dasarath Maharaj. When Ram went to the forest, he could not maintain his life. He cried, Haram, Haram, and left this world. But I am still alive. Oh, Uddhav, my heart is like a stone. And saying this, weeping all night, that passed in discussions of Krishna Katha. In the morning, Uddhav went to Bath in Krishna Kund, nearby Nandagaon. And there he chanted his mantra, his anek. And underneath one tree, he saw a gopi. Some gopis were discussing. And Uddhav was hearing. One gopi asked, who is he? Another gopi said, oh, you don't know, that is the messenger of Krishna. Because the eyes can cheat one, but the nose cannot cheat. Therefore, this fellow comes from Krishna because that garland he is wearing has the fragrance of Krishna upon him. And he is wearing Krishna's pitamba, his yellow cloth. Therefore, this is the messenger of Krishna. Just seeing now Krishna is saying, I am very big. Even my messenger rides on a golden chariot. Hearing this, Uddhav was ashamed. Why I came in a golden chariot? I should have came and come with bare feet. Therefore, one gopi, why has he come here? We don't know why he has bothered to send a messenger. And the gopi said, it's true, Krishna may have left us. Our relation may have broken. But it's not that easy to forget one's mother and father. Therefore, Krishna has sent his messenger to pacify Sri Nanda and Sri Yasoda. And another gopi asked, then why has he come to see us? Then one gopi said, you know, Kamsa has died. And in Vrindavan, they could not find any pinda. When someone dies, then they offer some oblations, some foodstuffs for the departed soul. But in Mathura, there was nothing to give to the dead soul of Kamsa. Therefore, he has come here to collect the hearts of the gopis, because we are also about to die. In hearing this, Uddhav felt most wretched. So Uddhav came, and the gopis asked him, Uddhav, can you answer our question? There are two types of prema. One is swat prem, swatamai prem. That means love with selfishness. And the other type of prem is niswat prem, nirmal prem. Pure prem where there is no selfishness. There are many examples of selfish prema. For example, a beggar. He comes to your house, Hare Krishna, Hare Krishna. But as soon as you give him a donation, he's out of bed. Even if I say, oh brother, let me hear two, three kirtans, he said, I can't, I have many things to do, and he'll leave. He's fulfilled the reason for which he's come, then he's left. Or like a student. A student learns everything from the teacher. But when his studies are finished, even he may be lucky, he will not even bow to the teacher before leaving, and he will never come back. Because he has fulfilled the desire for which he has come,
Except it's not a seen in a prostitute. She gives so much love to the man. When his credit card is finished, then she kicks in. A bird has so much attachment to the tree as long as there is fruits there. But when the fruits are finished, then he leaves. The deer has so much love for the forest, but when the grass is finished, he moves to another forest. A man has so much affection for a woman, but if she's burned by fire, then he'll kick her and get another one. He will marry again. Therefore, Uddhava, these are all examples of selfish love. Swatmai Prem. But Uddhava, our love for Krishna was not like that. Krishna never gave us any food. We never demanded food, clothes, jewelry, nothing from Krishna. Our love for Krishna had no selfish motives. And Krishna's love for us also was not selfish. Therefore, Uddhava, if our prem was pure, can you tell how it broke? Uddhava scratched his head, but he could not answer. Therefore, Gurudev says, Uddhava was sent by Krishna to the school, the University of Prema, pure affection. Then Uddhava, he saw the college from a distance. He met the principals and some of the teachers like Radhika and Lalita and Vishaka. But when the gopis gave him admission tests, Uddhava could not even pass the admission, not to speak of entering into the school of Prema. Gopiyan Uddhava ko lekar ke कुछ आगे बढ़ी। श्रीमती राधिका जी कृष्ण के विरह में सो रही हैं। गोपियां उन लोगों ने गोपियों ने कमल की पाखुड़ियों का सेज बनाया है, उनके अंगों के स्पर्श से वही दम सूख गया, चंदन लगाया चंदन भी सूख गया है। जीवित है कि मर गई, रूई लेकर के नाक पर देकर के देख रहे हैं ये हिलती डुलती है कि नहीं, देखा जो श्वास किसी प्रकार से है। और उसी अवस्था में एक काला भ्रमर राधा जी के चरणों को कमल समझ करके उसका मकरंद लेने के लिए उस पर उड़ने लगा। उद्धव जी ठीक समय पर पहुंचे। उस समय राधा जी मन ही मन में देखा कृष्ण बिना गोपियों के या स्त्रियों के रह नहीं सकता। वैसे ही वो मथुरा में है, वहां की राजकुमारियों से प्रेम उससे हो गया और उसके साथ में विहार कर रहा है। एकदम उनको क्रोध हो गया। भावरे को देखा काला, बोली ये कृष्ण का दूत है। कृष्ण जैसे काला है, वह जैसा काला है, नाम नहीं लिया, वह जैसा काला है ये भी काला है, हो ना हो वहीं से आया है, वो हमारे मनाने मुझे मलाने के लिए आया है। और प्रियतम का कोई दोष नहीं तुम्हारे, तुमको बहुत आदर जत्न करते हैं, तुमको मनाने के लिए आया हूं, आप उन पर क्रोध ना करें। एकदम क्रोध से लाल हो गई और कहने लगी, इसी को श्रीमद् भागवत के 10 श्लोकों में जल्प प्रजल्प सुजल्प अभिजल्प 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 अनुजल्प इत्यादि 10 भागों में इसका वर्णन किया है। उज्जवल लीलानी में इनके लक्षण सब दिए गए हैं। तो राधा जी कह रही हैं, ओ तुम मधुबन से आया है, जहां पर मधु होती है शराब, और उसका मालिक जो है मधुपति, वो काला इसका इससे आप शराब की दुकान को मद्य की दुकान को चलाता है, ओ वहीं से तुम मधु पी करके मद्यपान करके यहां आया है हमें मनाने। तो वो मानो भन भन कर रहा है। उसको सुन करके कहती है राधा जी, ओ हमको मनाने आया, अरे मूर्ख तुम मद पी करके मद्यपान करके अपवित्र है, हमारे पैरों को न छू, यहां से निकल जा। काला काले जितने होते हैं कपटी होते हैं, तू भी उस कपटी से कपट सीख करके मुझे मनाने आया है, जानता है ये मनाना कैसे होता है, तुम नहीं जानते। अरे ये तो बता,
तुम्हारे ये जो गुंफे हैं इनमें कुमकुम कहां से लगा? निश्चित कृष्ण ने किसी राजकुमारी का आलिंगन किया होगा और उसके वस्त्रक्षल का कुमकुम कृष्ण के मालाओं में लग गया होगा। तुम वहीं से लेकर के कुमकुम और तुम्हारी गुफें पीली हो गई हैं। जल्दी से हटो, मत छू हमारा पैर। आचार्य स्वामिनी जी, ये तो हमारा स्वाभाविक है ने? ये पीली हमारे मुझे जन्म से ही है, हमने कुमकुम टुमकुम से कोई संबंध नहीं है। दूर हो जा, मैं जानता हूं। जानते हो तुम किसके दूत हो? वो कहीं ना कहीं जादुओं की स्त्रियों से प्रेम कर रहा होगा और उसके पति जान जाएंगे तो जानते हो क्या होगा, कैसी उसकी दुर्गति होगी। तुम भी उसी के दूत हो ना, जाओ जाओ यहां से जाओ। फिर वो भन भन करता रहा तो फिर वो कहती हैं, हो तुम मुझे मनाने के लिए आए? एक बार उसने अपने अधरों का मधु हमें पान करा दिया और हमें पागल कर दिया, जैसे तुम हो ना, भौरों से पुष्पों से मधु लेकर और फिर उस मधु पुष्प पर उस फूल पर नहीं जाता, छोड़ देता है। ऐसे वो भी काला हम लोगों से कितना प्यार करता था और हमें छोड़ करके और वहां के खुबजा से बड़ा प्रेम करने लगा और दूसरों से, और भी क्रोधित हो गई। यहां मत रहो, जाओ, यहां पर तुमको मनमाना इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, वहां चली जाओ। जाओ जाओ मथुरा में जाओ, उन जादो पत्नियों के पास में जाओ जिसको जिसकी इच्छा कृष्ण ने पूर्ण कर दी है, वो तुमको तुम्हारी झोली को भर देंगी। हम तो कृष्ण के मारे कृष्ण के लिए ही घर से निकल गई, अब एक चना भी देने में समर्थ नहीं है, तुम जाओ। फिर वो भन भन करता रहा, फिर बोली, मानो भ्रम कर रहे, लक्ष्मी जी जिनके चरणों में रहती हैं, भला वो कहीं ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो बहुत ही सीधा साधा और बहुत अच्छा है। नहीं, वो भोली, हम लोग भोली भाली हैं और वो भी हमसे भी भोली भाली हैं। वो यदि कृष्ण की जानती जो किसी स्त्री से प्रेम नहीं करता है, प्रेम करके छोड़ देता है, तो वो भी उनके चरण की सेवा नहीं करती। अरे और क्या बतलाऊं, एक काला था वो काला अपने माता पिता के आदेश से वन में गया और ऐसा स्त्री कामी कि एक दूसरे स्त्री कामी सुग्रीव से मित्रता कर ली और बोला जी हम तुम्हारी स्त्री को ला देंगे, तुम हमारी स्त्री को लाने में मदद करना। और इसी के लिए बाली जो बंदर है जिसका मांस भी नहीं खाते, उसको उसने छिप करके मारा। बाली ने क्या दोष किया? और वही स्त्री कामी स्त्री को साथ में लेकर के वन में गया, सूर्पनखा उसके रूप को देख करके मोहित हो गई तो उसका नाक कान काट लिया। एक काला, और एक काला और था जो था तो लंबा चौड़ा किंतु बामन बन करके गया, बलि महाराज जी को छल करके तीन पैगों से ही सारी पृथ्वी को मार नाप लिया और उसको नाक फांस से बांध करके गिरा दिया। वो तो प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी की कृपा से फिर उनको छोड़ा। तो कालो लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, जाओ जाओ, मनाने के लिए आए हो तुम हमें? क्या कहते हो, मथुरा जाने के लिए? मथुरा में हम कैसे जा सकती हैं? अरे वो तो सब समय उनको लेकर के बैठा है और वो नहीं आए तो लक्ष्मी जी को अपने पस्तक्षल पर सब समय धारण करता है, हम वहां जाकर के संतों के साथ में उनके साथ में कैसे रह सकती हैं? फिर बोली, ओहो तुम वहां से लौट करके आए हो गोकुल से, वृंदावन से, क्या कृष्ण
अपने सखाओं को, अपनी मैया को, गायों को, बछड़ों को स्मरण करते हैं। हाय कभी भी किसी भी प्रसंग से हमारा स्मरण करते हैं कि ये अच्छी तरह से फूल नहीं गूंथ सकती, माला नहीं बना सकती, या बहुत अच्छी तरह से करती है, तुम लोग नहीं कर सकते, प्रसंग में कहते हैं ये कह करके, हा नाथ रमण क्वासी क्वासी महाभूज कृपया दासते सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। उद्धव जी देख करके दंग रह गए उनका प्रेम, ऐसा प्रेम तो हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। वंदना करने लगे, आसाम हो चरण रेम विसाम, हे गोपियों तुम्हारा ही जीवन धन्य है, तुम्हारे लिए पृथ्वी धन्य है, ब्रज भी तुम्हारे लिए धन्य है, मैं तुम्हारे चरणों की धूलि को ग्रहण करने के लिए वृंदावन में कहीं गुल्म लता घास बनना चाहता हूं, जो गोपिया विचार के समय में जाए उनकी चरणों की धूलि मिल जाए। किंतु नहीं हुआ। बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, मैं नंद के ब्रज की गोपियों की चरणों की एक धूलि की वंदना करता हूं, जिसके विरह के गान से सारा विश्व ब्रह्मांड उद्धार पा सकता है। ये कह करके उद्धव जी एकदम तन्मय होकर के गोपियों की प्रशंसा। तो ये उद्धव जी भी यहां पर के घास नहीं बन सके, ऐसी गोपियों की महिमा है। गोपियां भक्त नहीं है कृष्ण की, अपनी प्यारी गोपियां हैं, प्रिया प्रियतमा है, राधा जी की काय विवाह है और राधिका जी स्वयं उनकी लाडली शक्ति है, इनकी बहिबा अपरंपार है। संक्षेप में आप लोगों को बहुत संक्षेप में सुनाया, अब यहीं पर आज की कथा का हम विश्राम देते हैं। अभी आरती होगी, आरती होकर के भागवत की पूजा होगी और प्रसाद लेकर के आप लोग अपने ओ इट विल टेक सो मच टाइम, I wanted to finish very soon. Those who have exhibited and collected some diksha, they can come and give to Gurudev now. They have ordered, and very brief, after doing his arayak, he saw some other gopis, especially one gopi lying underneath one tree. She was in a state of extreme separation, and her friends had taken the petals of a lotus and made one bed out of it. Upon her body, they applied sandalwood. Oh. But the fire from her body was so intense that sandalwood paste was burning up. Oh, very good. Her friends were trying to understand if she is alive or not. Therefore, they were taking some cloth, some thread, and putting on her nose. They could see some breath is coming. In this state of extreme separation, one blind bee came to Srimati Radhika's feet at the same time Gurudev approached her. That blind bee, Radhika thought to be a messenger of Krishna. Therefore, Radhika could understand Krishna could not stay even one second without a lady or without any gopis. They were seeing that bee as a messenger of Krishna. She began to abuse that bee. Oh, that black one, she is not saying the name of Krishna. Therefore, she began to abuse the bee, and the bee began answering by humming, oh, so many, your Krishna has no fault, yet so much respect for you. Hearing the buzzing of the bee, Radhika became angry and manifested her anger in speaking 10 verses. That is called Ramagi. Srila Prabhupada Swami has explained all these 10 verses. And he is saying Ujvala Nilamani as the 10 different ecstatic moods of Radharani. Devakadeva Madhupati, Maharshi Sangam Samatya. Oh, Madhupati, Madhupati means Krishna. Because Krishna comes from Madhuvan, Madhuravan. Therefore, Krishna is the Lord of Madhuvan or Madhura. Madhu also means alcohol. And therefore, she said, I know you come from that Madhupati, that person who opened the big wine shop in Mathura.
Krishna is drinking the money of the gopis, therefore he became intoxicated. Therefore you are also like that. Somebody drinks alcohol is impure, therefore Radhika said, you have come here in an impure position. Just think you have come to pacify me, but on your mustache there is some yellow color. I know from where that came. Krishna is embracing the lives of the devotees there in Mathura. And these makeup on their bodies has come on Krishna's garment. You have worn on that garment and their makeup has come on your mustache. Therefore you are dirty and shameless and impure. You don't know how to pacify anyone. Therefore the bee was answering, oh Radhika, this is not true. By birth my mustache is yellow. This is not, I have no relation with any makeup or anything. And Radharani said, I know you. You are the same nature as your master. And when the others know that Krishna is embracing their wives, they will become very angry. There will be many problems there for Krishna. Yet you have come for pacifying me, but I am not being pacified by you. Oh, B, don't you know one time we tasted the nectar of the lips of Krishna? And he made us mad, but he never came back again. Just as a bee goes from one flower to another flower, taking all the nectar of the flower, he never returns again to that flower. In the same way, Krishna took everything from us. Then he went to Mathura and made a relationship with a poor woman named Kutya. Just like a musician, when he sings, he's hoping to get some donation from the audience. And Radhani said, you are very foolish to come here singing for some donation. You should go back there to Mathura, and the wives of the others will give you so much. We cannot even give you one chippy. We lost everything for Krishna. Very detailed. Then the bee may say, but this is not true. Very detailed you are. That bee may say, but Lakshmi, she is always on the chest of Krishna. Then the gopis may say, we are not so foolish like Lakshmi to believe his words. Therefore, Radhika said, this is not just the fault of that black, this is the fault of all blacks. There was another black one, not saying his name, but this is Ram. He was so nasty. He took sannyas. But what type of sannyas? He took sannyas and went to the forest with his wife. Therefore, all blacks are nasty like that. And that black, he was very nasty when his wife was stolen, so he made friends with another nasty person called Sagri. His wife was also stolen. Just like one nasty person makes relations with another nasty person. And how cool, Supanika saw his beauty and was attracted. Ram could have said, I won't marry you, but Ram had her nose and ears cut off. Very nice person. And there was another black. His name was Bhavan. He cheated his own devotee because even though he's very big, he came in a very small form and stole everything from his own devotee. Therefore, Radhika said, we have no relation with any black person. Therefore, you should go back to Mathura where you came from. So, Radharani said, the bee may say, you may also go to Mathura, and Radharani can say, now we can go there, that is the abode of Lakshmi. And Radhika thought, said to the bee, does he remember us? Does he speak about us in a disparaging way? Sometimes does he remember our service? And thinking this, Radharani cried, Hana, Ramana Pesh, Kwasi Pasi Mahamudra. Oh, beloved, Ramana Pesh, Kwasi Pasi Mahamudra. Oh, Krishna, whose arms are very strong, where are you? And saying this, Radhika fainted on the ground. Seeing this mood, Uddhava became astonished. And he prayed to the big dust of the gopis. Asamaho Chanarenu Jusama Shamsa. Asamaho Chanarenu Jusama Shamsa. I hope in my next life I can take birth as a tree, as a shrub or a blade of grass, so the gopis can walk on me and I can get their foot dust on my head. Finally, he prayed, Mate Nanda Vajasiyam Padarenam Abhiksana Yasam Harikato Gitam Puniti Bhavaditayam. All glories to the gopis. When they chant the name, form, codes and pastimes of Krishna, they purify the whole world. By hearing the discussion, by hearing the topic, the kirtan of the gopis, all can cross the influence of the illusory energy. So, Uddhava, he could not even become a grass in Vrindavan.
Therefore, the gopis are not ordinary. We cannot even say they are devotees. The gopis are more than any devotee. The gopis are the direct expansion of Krishna's own body. Gopamalani. All are requested to come in row. According to our scripture, all listeners must worship Srimad Bhagavatam and speaker of Bhagavatam. Unless we do this, we don't get any teeth of Harikatha. If you have brought something with you, then it's fine. If you have nothing, we have provided flowers to all. So please come in row and keep a flower and offer Srimad Bhagavatam in Lotus Feet of Gurudev. You can eat Dakshina or whatever you want. And please don't waste time. Make two rows, one for ladies and one for gents. And please don't take too much time and make it fast. And all other Maharajis are children. Can you hold the
Jai Radha Krishna 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 Jai Radha Kr